मैं सुभाषित गुप्ता, विभाग अध्यक्ष मैकेनिकल प्रोडक्शन, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज अगली श्रृंखला में हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर ए प्रोडक्ट लेआउट मेटल हैंडलिंग इक्विपमेंट मस्ट, प्रोडक्ट लेआउट के केस में मेटल हैंडलिंग इक्विपमेंट फुल फ्लेक्सीबिलिटी, एम्प्लॉय कन्वेयर बेल्ट, ट्रक्स, ट्रैक्टर, सीटीसी, बी ए जनरल पर्पज टाइप, बी ए डिजाइंड एज स्पेशल पर्पज फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो हम प्रोडक्ट लेआउट के लिए कर रहे हैं जहाँ पर कि बिल्कुल हर मशीनें फिक्स हैं, तो उसके हिसाब से जो है इस प्रकार से हमको स्पेशल पर्पज डिजाइन करना पड़ेगा फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो इसका आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट इज सुटेड फॉर मास प्रोडक्शन, के लिए कौन सा सुटेबल है? हमको पता है प्रोडक्ट लेआउट। परफॉर्मेंस रेटिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व परफॉर्मेंस प्लस नॉर्मल परफॉर्मेंस, ऑब्जर्व परफॉर्मेंस माइनस नॉर्मल परफॉर्मेंस, ऑब्जर्व परफॉर्मेंस इनटू नॉर्मल परफॉर्मेंस, नन ऑफ द अबव। ये तीनों ही आंसर गलत हैं, इसलिए इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। पर टेक द फॉलोइंग टाइम एस्टिमेट, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम। तो पार्ट जो है थ्री टाइम एस्टिमेट है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम। एट द ब्रेक इवन पॉइंट टोटल कॉस्ट इज मोर देन सेल्स रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट इज लेस देन सेल्स रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू या फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। हम जानते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू। द सिंप्लेक्स मेथड इज वैल्यू एनालिसिस, ऑपरेशन सर्च, लीनियर प्रोग्रामिंग, मॉडल एनालिसिस। सिंप्लेक्स मेथड जो है लीनियर प्रोग्रामिंग का एक मेथड है, ग्राफिकल मेथड है सिंप्लेक्स मेथड, तो लीनियर प्रोग्रामिंग का सिंप्लेक्स मेथड। फॉर शिप वेसल इंडस्ट्री द फॉलोइंग लेआउट इज बेस्ट सुटेड। शिप वेसल बहुत बड़ा शिप होता है और उसमें जो है फिक्स पोजिशन लेआउट ही काम आ सकता है, इसलिए इसका आंसर है सी। फॉर हैंडलिंग मेटल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, इसमें हम बकेट कन्वेयर्स का इस्तेमाल करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में, तो इसका आंसर है बकेट कन्वेयर्स। प्रोसेस लेआउट इज एम्प्लॉयड वेयर लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, ये भी ठीक है। Where similar jobs are manufactured on similar machines, where machines are arranged on functional basis, तो ये तीनों ही इसके product process layout के जो है वो है characteristics, इसलिए इसका answer है all of the above. The basic difference between PERT and CPM is PERT deals with event and CPM with activities. Critical path is determined in PERT only. Costs are considered on CPM only and not in PERT. And guest time are used. तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पर पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर है गेस्ट टाइम आर यूज्ड इन पर्ट एंड एवलेटेड टाइम इन सीपीएम। सीपीएम वन टाइम एस्टिमेट और पर्ट जो है थ्री टाइम एस्टिमेटेड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट द लाइंस नीड टू बी बैलेंस, प्रोडक्ट लेआउट के केस में लाइन बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए, अदरवाइज कुछ मशीनें जो है आइडल रह जाएंगी, इसलिए इसका आंसर है प्रोडक्ट लेआउट। भारत डच सिंबल ओ इम्प्लाई इन वर्क स्टडी, ओ मीन्स ऑपरेशन, इसलिए इसका आंसर है ऑपरेशन। माइक्रो मोशन स्टडी इज एनालिसिस ऑफ ए मैन वर्क मेथड बाय यूजिंग ए मोशन पिक्चर कैमरा विद ए टाइमिंग डिवाइस इन द फील्ड ऑफ व्यू, इसका आंसर यही है। डमी एक्टिविटी इन ए नेटवर्क डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन की जाती है, आर्टिफिशियल एक्टिविटी है, does not consume time or resources, इसलिए इसका आंसर है all of these. For a small scale industry, fixed cost दी हुई है per month 5000, variable cost per product 20 और sales price 30, break even production per month पूछा है इसने, तो इसका आंसर हो जाएगा fixed cost upon यानी 5000 upon 1 minus fixed cost upon sales price minus variable cost. तो 5000 अपॉन 30 माइनस 20 यानी 10 से डिवाइड करेंगे 5000 को, तो इसका आंसर आ जाएगा 500। एबीसी एनालिसिस इज यूज्ड इन सीपीएम पार्ट इन्वेंटरी कंट्रोल ऑल ऑफ दी, एबीसी जो है ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस इज यूज्ड इन इन्वेंटरी कंट्रोल। स्टैंडर्ड टाइम इज डिफाइंड एज नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस, नॉर्मल टाइम प्लस आइडल टाइम प्लस अलाउंस, नॉर्मल टाइम प्लस आइडल टाइम, ओनली नॉर्मल टाइम फॉर एन ऑपरेटर, तो इसका आंसर है नॉर्मल टाइम प्लस allowances. The type of layout used for manufacturing steam turbine, fixed position layout काम में लिया जाता है, क्योंकि जैसा बिना अभी हमने सिप वेसल का देखा था, वैसे steam turbine भी बहुत बड़े बड़े होते हैं
और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी करना संभव नहीं होता, इसलिए इसका आंसर है फिक्स पोजिशन लेआउट। मोशन स्टडी इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ एक्शन ऑफ ऑपरेटर, लेआउट ऑफ वर्क प्लेस, टूलिंग एंड इक्विपमेंट, ये सभी को ही जो है मोशन स्टडी इन्वॉल्व करता है एनालिसिस में, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। टाइम स्टडी इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट जॉब बाई स्लो वर्कर, फास्ट वर्कर, एवरेज वर्कर एंड अप्रेंटिस, तो इसका आंसर है एवरेज वर्कर पर कैरी की जाती है इसको। व्हाट द सिंपल डी सिंबल डी इंप्लाई इन वर्क स्टडी, तो डी जो है डिले या टेम्परेरी स्टोरेज को शो करता है, इसका आंसर है डिले या टेम्परेरी स्टोरेज। द पर्पज ऑफ माइक्रो मोशन स्टडी इज टू असिस्ट इन फाइंडिंग आउट द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग वर्क, बिल्कुल ये पर्पज है। ट्रेन द इंडिविजुअल ऑपरेटर रिगार्डिंग द मोशन इकोनॉमी प्रिंसिपल, हेल्प इन कलेक्टिंग द मोशन टाइम डाटा फॉर सिंथेटिक टाइम स्टैंडर्ड, ये सभी जो है माइक्रो मोशन स्टडी के पर्पज हैं, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फॉर मेटेरियल ट्रांसपोर्टेशन कन्वेयर्स आर यूज्ड व्हेन द प्रिवेलिंग कंडीशंस इंक्लूड लोड्स आर यूनिफॉर्म, रूट्स डू नॉट वेरी, मेटल्स मोर रिलेटिवली कंटिन्यूअसली, ऑल ऑफ दी, तो ये तीनों ही होने चाहिए, इसलिए इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव। द डिफरेंस बिटवीन द टाइम अवेलेबल एंड टू डू द जॉब एंड टाइम रिक्वायर्ड टू डू द जॉब इज नोन एज फ्लॉट, इसका आंसर है फ्लॉट।